ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना भक्ति मार्ग का। ये गीत कौन सा है? भक्ति मार्ग का। पुकारते हैं कि इस पति दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो, अशांति की दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। बुद्धि में बैठा है, कोई और दुनिया है। जब ये गाते हैं पुकारते हैं तो समझा जाता है कि कोई और दुनिया है जहां शांति भी थी और सुख भी था। महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिनों के चित्र भी यहाँ हैं। मनुष्य जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं वह तो जैसे क्वार्टर दुनिया की है, आधा कल्प की भी नहीं है। सतयुग त्रेता का तो किसी को पता ही नहीं है, आंख ही बंद है, जैसे काने हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानती। वर्ल्ड कितनी बड़ी है, कब नई वर्ल्ड शुरू हुई, फिर कब पुरानी होती है, फिर पुराने से कब नई बनती है, ये तो तुम बच्चे अभी जानते हो। बनेंगी तो जरूर, पुरानी है तो नई बनेगी तो जरूर। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन में आना ही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग में भी जरूर आना है। संगम पर सतयुग स्थापन करने वाला आएगा। ये समझाने की बड़ी युक्तियां है। बाबा कहते ये प्रूव करके बताओ, सिद्ध करके बताओ कि अभी रात है तो दिन को आना ही है, कलयुग है तो सतयुग को होना ही है, दुखों की अति है तो उसका अंत होना ही है, फिर सुख की दुनिया आनी है। तो समझाएं ऐसे जो किसकी भी बुद्धि में फिट हो जाए। ये समझाने की बड़ी युक्तियां है। कलयुग को सतयुग बनाने वाला कौन? कौन? सतयुग को, कलयुग को सतयुग बनाने वाला एक ही बाप है। बाबा कहते बीच बीच में ये प्रश्न पूछना माना पानी में पत्थर डालना, जिससे बुद्धि चलना शुरू करे। कलयुग को सतयुग बनाने वाला बाप ही है। इतनी सहज बातें भी किसी की बुद्धि में नहीं आती है, क्योंकि बुद्धि को क्या हुआ है? माया का ताला लगा हुआ है। परमपिता परमात्मा की महिमा गाते हैं, हे परमपिता परमात्मा, बुद्धिवानों की बुद्धि तो आप हो, बुद्धिहीन को आप बुद्धि दो, और सब आसुरी मत देने वाले हैं। श्रेष्ठ मत देने वाला तो एक ही बाप है। मनुष्य गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अभी देखो बाबा को हम बच्चों के पर कितना नाज है। मुरली में कितनी बारी हम बच्चों को संबोधन करता है, ऐसा कहां कोई सत्संग में नहीं मिलेगा या कोई स्कूल कॉलेज में ऐसा नहीं होगा जो बार बार बच्चों को संबोधन करे। ऐसे होता होगा भाई कहां भी? तुम बच्चों को अभी तीनों लोकों का ज्ञान है, ऐसे नहीं सिर्फ वर्ल्ड का ज्ञान है, वर्ल्ड से भी आगे तुम तो जानते हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये तीनों लोगों का ज्ञान बुद्धि में है। जो अच्छी रीति से पढ़ते हैं उनों की बुद्धि में है। ये बातें किसकी बुद्धि में रहेगी? जो अच्छी रीति पढ़ते हैं। सभी क्लास में नोट पेन लेके तो आते ही होंगे ना,
क्योंकि नहीं तो इतनी महीन बातें याद कैसे रहेगी। मुरली क्लास पढ़ना मीन्स हाथ में क्या होना चाहिए? डायरी पेन होना चाहिए। जिनों के हाथ में है डायरी पेन जरा हाथ उठाएं। जिनके पास नहीं है वो कल लेके आएंगे, ठीक है ना? कुछ न कुछ अपने में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। हम जहां हैं वहां से हमें एक कदम तो आगे अपनी धारणाओं में बढ़ना चाहिए। जो अच्छी रीति पढ़ती हैं उन्हों की बुद्धि में है। तुम स्कूल में पढ़ते हो तो पढ़ाई पूरी रीति बुद्धि में रहनी चाहिए। तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो, तुम त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे। त्रिलोकी नाथ कोई बनता नहीं है, त्रिकालदर्शी अक्षर ठीक है। तीन लोक तीन काल को तुम ही जानते हो। बरोबर, हम मूल वतन में रहते हैं, हम आत्माएं वहां निवास करती हैं। ये ज्ञान और किसकी भी बुद्धि में है नहीं, ये तुम जानते हो। परमपिता परमात्मा त्रिकालदर्शी हैं। आदि मध्य अंत तीनों कालों को और तीनों लोगों को जानते हैं। लक्ष्मी नारायण को वैकुंठ नाथ कह सकते हैं, त्रिलोकी नाथ नहीं। वे हेवन व स्वर्ग के मालिक हैं। बाप को पैराडाइज का मालिक नहीं कह सकते हैं। तो ये समझने की बातें हैं। परमात्मा जैसा कोई मनुष्य हो नहीं सकता। कहते भी हैं, परमात्मा जानी जाननहार नॉलेजफुल है, परंतु अर्थ नहीं जानते कि वो क्या जानता है। अगर अर्थ जानते हैं तो भी क्या जानते हैं? कहते वो सबके दिलों को जानते हैं। बाबा कहते नहीं, मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हें देता हूं। समझते हैं, जानी जानहार है ने, तो सभी के दिलों को जानते होंगे। सर्वव्यापी कह करके ग्लानी कर देते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय वंशावली, फिर दैवी वंशावली बनेंगे। ईश्वर बड़ा व सतयुग के देवता ही बड़े। कौन बड़ा? ईश्वर बड़ा। उन देवताओं से बड़े सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बड़ा कहेंगे ने, वह है अव्यक्त। ये तो व्यक्त है ना, ये जब पावन फरिश्ते बनते हैं तब महिमा है। ब्राह्मणों को अभी अलंकार देंगे तो वो अस्त्र शस्त्र शोभेंगे नहीं, इसलिए फिर किसको दे दिया? देवताओं को, विष्णु को दे दिया। शंख चक्र गदा पद्म, अब इनका अर्थ तुम समझ गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को तो अस्त्र शस्त्र देंगे नहीं, ये अभी की बात है। वास्तव में ये ज्ञान की अस्त्र शस्त्र है, स्थूल हथियारों की बात नहीं है। शास्त्रों में तो स्थूल हथियार दे दिए हैं। पांडव और कौरवों की सेना दिखाई है, परंतु उसमें क्या नहीं दिखाया है? पांडव और कौरवों में किसको दिखाया है? केवल भाइयों को दिखाया है, फीमेल को नहीं दिखाया है। ये है गुप्त। पांडव सेना में पुरुष दिखाते हैं, बाकी शक्ति सेना कहाँ गई? ये है गुप्त। कोई को पता ही नहीं कि ये शिव शक्तियां कहाँ गई। इनका वृत्तांत कुछ भी दिखाते नहीं है। शक्तियों ने कैसे लड़ाई की, सेना दिखाते तो है ना, किसको भी समझ में नहीं आता है। जिसने जो कुछ बोला सो लिख दिया। शास्त्र आदि कैसे बनते हैं? जो सुना वो लिख दिया,
जो समझ में आया वो लिख दिया, किसी ने कुछ बोला तो लिख दिया। यथार्थ रीति तो अब तुम बच्चे जानते हो, हम सब एक्टर्स हैं, हर एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। बाबा जिसको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है, उन द्वारा तुम सारे ड्रामा के राज को जानते हो। इनमें चार युग हैं अथवा चार भाग हैं, जिसको युग कहते हैं। अब वास्तव में है पांच, पांचवा कौन सा है? संगम युग। पांचवा ये कल्याणकारी संगम युग है, सतयुग और त्रेता का संगम, उसे कल्याणकारी नहीं कहेंगे क्योंकि उतराई होती जाती है। सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो, ये है सीढ़ियां, तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है। ज्ञान में तुम एक ही बार गैलप करते हो, फिर ऊपर चढ़ी हुई सीढ़ी उतरते जाते हो, एक ही बार चढ़ते हो फिर उतरते हो। अब सीढ़ी उतरना तो बड़ा सहज होता है, चढ़ने में बड़ा मुश्किल होता है। तुम कितनी मेहनत करते हो, ये पढ़ाई मेहनत लगती है, मोहब्बत और खुशी लगती है, क्या लगता है? जिनको ये पढ़ाई मोहब्बत और खुशी महसूस होती है वो हाथ उठाए तो। अच्छा, जिनको मेहनत भी लगती है वो हाथ उठाए तो। इसमें मेहनत भी तो है ना कि नहीं है मेहनत? देखो, इसीलिए ये प्रभु की पढ़ाई सबसे न्यारी है, मेहनत किसी को नहीं लग रही है। सभी खुशी खुशी हंसते नाचते, वाह ड्रामा, वाह बाबा, वाह मेरा भाग्य करते करते पढ़ रहे हैं। तुम कितनी मेहनत करते हो, मनुष्य से देवता बनना ऊंची चाड़ी है ना? कहते हैं ना कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस, जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर गिरते हैं तो एकदम चकनाचूर हो जाते, कितना समय लगता है, ये बहुत लंबी चाड़ी है। तुम जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं फिर उतरेंगे, सेकंड लगता है चढ़ने में। 5000 साल के हिसाब से तो ये संगम युग का ऐसे ही कहेंगे ना, इसीलिए बाबा संगम युग की एक सेकंड की महिमा बड़ी बताते हैं। तुम जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं, सेकंड लगता है चढ़ने में, पिछाड़ी में आने वाले सेकंड में चढ़ सकते हैं। अबलाओं माताओं पर कितने अत्याचार होते हैं, बच्चियां पुकारती हैं बाबा नंगन होने से बचाओ, ढेर बच्चियां हैं, अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, मारते हैं तो उनों के पाप का घड़ा भर जाता है, जो भर कर फिर फूट जाता है। दिखाते हैं ना घड़े से सीता निकली, अभी तुम सच्ची सच्ची सीताएं निकल रही हो, राधे भी निकली तो सीता भी निकली, रघुपति राघव राजा राम लिखने से फिर सीता का नाम डाल दिया है। गाते ने रघुपति राघव राजा राम, फिर आगे क्या बोलते, पतित पावन सीताराम, जगत अम्बा जगत पिता ही, फिर राज राजेश्वरी, राज राजेश्वर बनते हैं, यही लक्ष्मी नारायण थी, फिर अंत में देखो तो क्या बन गए हैं। सतयुग में कोई इतने 33 करोड़ मनुष्य नहीं थे, वहां तो बहुत थोड़े होते हैं, बाद में वृद्धि होती जाती है। दैवी संप्रदाय ही पुनर्जन्म लेते लेते फिर आसुरी संप्रदाय बनता है, अभी आसुरी संप्रदाय, फिर क्या बनेगा,
दैवी संप्रदाय कल्प कल्प बनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है, तुम ही त्रिकालदर्शी बनते हो। तीनों लोगों की भी नॉलेज मिली है, तुम कहेंगे क्या कहेंगे? तुम कहेंगे हम पूज्य वैकुंठ नाथ थे। कौन है हम? हम पूज्य वैकुंठ नाथ थे। अब पुजारी नरक के नाथ बने हैं। हमसो का अर्थ यथार्थ रीति न जानने के कारण हम स्वात्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कितना फर्क कर दिया है। अभी तुम्हें समझाया है, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। तुम इस बेहद के चक्र को भी जान गए हो, तीनों लोकों तीनों कालों को भी तुम जानते हो। ये गुप्त बात बाप पढ़ाते हैं, गुप्त बाप गुप्त बातें पढ़ाते हैं, किसको पता नहीं है। गीता में ऐसी कोई बात थोड़ी है। ये नॉलेज जिसके पास है वो ही सिखलाएंगे, फिर अपना पार्ट उसी समय रिपीट करेंगे। क्राइस्ट अपना पार्ट अपने समय पर रिपीट करेंगे। तुम जानते हो, क्या जानते हैं? देखो बाबा रिपीट करा रहे हैं, तुम जानते हो हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्यवंशी शुद्रवंशी बनते हैं, ये तुम जानते हो। चक्र फिरता रहता है। इस्लामी बोधी फिर अपना पार्ट रिपीट करेंगे। जब एक देवी देवता धर्म रहता है तो और सभी धर्म नहीं रहते हैं। वर्ल्ड तो एक ही है, बाप ने क्रिएटर और क्रिएशन का राज समझाया है। हर एक मनुष्य हद का ब्रह्मा है, बच्चों को क्रिएट करते हैं फिर उनकी पालना करते हैं। क्रिएशन को वर्षा मिलता है रचयिता बाप से, भाई भाई को वर्षा देते हैं, ये कब सुना है? बच्चे समझते हैं एक तो है हद का बाप, वह तो सभी को मालूम है, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, अब पढ़ाने से कोई सारे सृष्टि के मालिक थोड़ी बनते हैं, ये बेहद की बात है। हद वाले सभी उस बेहद के बाप को याद करते हैं, उनको कहते ही हैं बाबा शिव बाबा। क्रिएटर को बाबा कहेंगे ना, सिर्फ बाबा नाम हल्का लगता है, इसलिए क्या कहते हैं? शिव बाबा। वह है निराकार। पूछा जाता है शिव बाबा से तुम्हारा क्या संबंध है? कहते हैं ना शिव बाबा झोली भर दो। बाबा का शिव नाम एक्यूरेट है, शंकर का चित्र अलग है। शिव और शंकर दोनों को मिलाकर शिव शंकर कहना ये तो बड़ी भारी भूल कर दी है। ऊंचे थे ऊंचे बाप को भूल गए हैं। चित्र बहुत अच्छे हैं। ब्रह्मा द्वारा अब स्थापना हो रही है, ज्ञान भी अभी मिलेगा। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण कहाँ से आए? तुम ब्राह्मण बने हो पर ब्राह्मण आए कहाँ से? कैसे बने हम ब्राह्मण? शिव बाप ने ब्रह्मा बाप के द्वारा एडॉप्ट किया। एडॉप्ट करता हूँ, ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है। ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए। तुम जानते हो अब हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता अक्षर जरूर डालना है। सिर्फ ब्रह्मा कह देने से ब्रह्मा नाम तो बहुतों का होता है, प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो कोई का नहीं होगा। ये तो मनुष्य है न। रुद्र शिव बाबा ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है। जरूर ब्राह्मण चाहिए,
तुम जानते हो ब्राह्मण कैसे होते हैं? ये ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ रचा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, फिर सो देवता बनते हो। आना फिर भी इसी सृष्टि पर है। फिर हम सभी कहाँ जाएंगे? इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाते। सारी पुरानी दुनिया की आहुति इसी रुद्र ज्ञान यज्ञ में पड़नी है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही क्या निकलना है? विनाश ज्वाला निकलनी है। इसीलिए बाबा क्या कहते, तुम्हें कैसा योग करना है? ज्वालामुखी योग करना है। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, आसार भी बरोबर देखते हो। ये हूबहू वही समय है, गाया हुआ है। यूरोपवासी यादव, कौरव और पांडव, भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं। चित्र भी हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है। देवी देवताओं का राज्य था, परंतु उनको राज्य किसने दिया? देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई? ये बिल्कुल जानते नहीं हैं। जो धर्म स्थापन करते हैं, वो ही समझाते हैं। और कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा नहीं सकती। बाप के सिवाय वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी समझा नहीं सकती। तीनों लोकों का ज्ञान कोई भी दे न सके। सबके पार्ट को तुम समझ गए हो। ये सब फिर अपने समय पर पार्ट बजाने आएंगे। आगे चलकर तुम्हारी महिमा भी बढ़ती जाएगी। वृद्धि जल्दी होनी है तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़ेगा? देखो, साकार में ब्रह्मा बाबा ने जब बोला, तब तो हमारा ये पांडव भवन ही था। और आज देखो, बाबा ने हमारी क्या कहे, दादियों के द्वारा कितना बेहद यज्ञ बना दिया। और फिर बाद में निमित्त सेवा के बने हुए सेवाधारियों के द्वारा आप देखो, आज पूरे विश्व में क्या बाबा का काम बेहद चल रहा है। देखते ही सुनते ही आवाज और भी यही निकलता कि ये बाप के सिवाय और कोई भी करा नहीं सकता। वृद्धि जल्दी होनी है तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़ेगा? ड्रामा में पार्ट है। समझते हो कितने बच्चे आएंगे, वृद्धि को पाते ही रहते हैं, आएंगे भी शिक्षा लेने लिए। बाकी तो ऐसे ही घूमने बहुत आते हैं। समझो कोई एजुकेशन मिनिस्टर आदि आते हैं तो उनको भी नॉलेज समझानी है। हमारी है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। सारे कल्प के चक्र को कोई भी नहीं जानती। तुम अब ज्ञान सागर द्वारा मास्टर ज्ञान सागर बने हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते।